लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रथम चरण का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिले में यह चुनाव हो रहा है। इस वक्त हम हैं ग्रेटर नोएडा के सेंट जोसेफ स्कूल में, जो मॉडल बूथ बनाया गया है। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूं। मेरे ठीक पीछे एक बूथ है जो पिंक बूथ है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व है। इसके साथ ही कुल इसमें 9 बूथ्स बनाए गए हैं और इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, बैलून्स की तरह सजाया गया है। लोगों को वेलकम किया जा रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है और लोगों के असिस्टेंट्स के लिए भी लोगों को लगाया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स भी यहां तैनात किया गया है। और ठीक आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पे जो स्टेज है, वहाँ पे फर्स्ट एड की भी सुविधा दी गई है। और साथ साथ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, आप ये विजुअल्स देख रहे होंगे, अभी एक बुजुर्ग महिला है जो सुबह ही सुबह ठीक 7 बजे पहुँच गई, व्हीलचेयर से वो आई। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस चुनाव के प्रति कितना उत्साह है लोगों में। बात की जाए जिला प्रशासन की, कल ही डीएम सुहास एलवाई, जो जिला गौतम बुद्ध नगर के डीएम है, उन्होंने अपील की थी लोगों से। आपको मैं बता दूं, लगातार जो है विधानसभा चुनाव का जो मतदान प्रतिशत था वो कम हो रहा था, लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाएं आ रही हैं, मैं ये भी बता दूं जो पहली बार मतदान कर रहा है उन बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, तो वो भी आ रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन का एक प्रयास था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने का, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज। नाम है आपका? माया जी, आप कहाँ पर आए हो इस समय? कितने बजे आ गए थे? हम 7 बजे। अच्छा, तो यहाँ पर आके किसी तरह की असुविधा तो नहीं हुई आपको? अच्छा, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 72 साल की है। आपका? मेरा नाम द्वितीय भारद्वाज है। आपने कहाँ, आप कहाँ पर आए हो आज? आज मैं अल्फा वन और वोटिंग में वोट डालने आई। पहली बार वोट डालने? हाँ जी, हाँ जी। क्या कैसी फीलिंग आ रही है और किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोटिंग करी है? मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स की छात्रा हूँ, तो आज मैं पहली बार यहाँ वोट डालने आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने पहली बार राइट टू वोट अपना एक्सरसाइज किया है। और मैंने अपनी कास्ट देख कर या मैंने अपना रिलीजन देख के वोट नहीं डाला है, मैंने बहुत सोच के कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के, जो हम पढ़ते हैं उनको ध्यान में रख के मैंने वोट डाला। वो फैक्टर क्या हैं? डेवलपमेंट है, किस तरह के डेवलपमेंट है, कम्युनलिज्म है और ये सब चीज़ें। थैंक यू। मतदाताओं की सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क भी इस मॉडर्न बूथ, जो सेंट जोसेफ स्कूल में मॉडर्न बूथ बनाया गया है, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हेल्प डेस्क से मतदाताओं को सुविधा दे रही है, क्या हेल्प किया जा रहा है। मैडम पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए किस तरह की सुविधा आप दे रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं आप? मेरा नाम है हेमलता शर्मा, मैं यहाँ पे तकरीबन 16 साल से टीचर हूँ। हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे कभी आ रहे हैं कोई भी वोट डालने के लिए, तो उनको ना कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, कौन से रूम है। और कुछ लोग तो कभी कन्फ्यूज़ होकर इस साइड भी जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बता रहे हैं, ये पूरा हमारे पास पूरा पेपर इन्फॉर्मेशन कि पोलिंग बूथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा क्लासरूम है। तो और बाकी इसके अलावा भी किसी को अगर वॉशरूम का कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और इमरजेंसी है, हमारा एक मेडिकल डेस्क भी वहाँ बना हुआ है एग्जिट वगैरह के लिए, और बाकी जो भी है उनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी वो पूछना चाहते हैं। फर्स्ट एड भी बनाया गया है? फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ है, फर्स्ट एड मेडिकल किट, हमारा मेडिकल डेस्क वहाँ है, फर्स्ट एड मेडिकल डेस्क। और हम लोग यहाँ पर सिर्फ उनको स्पेशली वोटिंग के लिए कि उनका कौन से रूम में वोट डालना है, कौन सा रूम नंबर है, उसके लिए।